इंडिया में ये सेटअप करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी सेमीकंडक्टर की, तो वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नहीं होगी, वो फिर होगी कि ये आसपास के जितने इलाके हैं, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर के ये चिप्स जो है वो दूसरी कंट्रियों में भी जाएंगे। तो इसके लिए इंडिया को एक बहुत हाई स्केल पे इंडिया वुड रिक्वायर, जिसको आप कहती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, अब इसका ये जो है कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस होना इसलिए ज़रूरी है कि उनका इंटरेस्ट बढ़े इस चीज़ में, वो आकर के समझें कि भाई ये आखिर चीज़ क्या है, और उसको एज अ करियर भी ऑप्ट करें, ताकि कल को जो हमें इसके लिए इंजीनियर्स या दूसरे तरह के लोगों की ज़रूरत पड़े तो वो ह्यूमन स्किल्स भी हमारे पास मौजूद हों। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इंडिया में ये सेम जो कि 2024 तक पहला बैच ऑफ सेमीकंडक्टर आउट हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं हुआ जब आप पाकिस्तान में बैठ के जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही होंगी, वो फोन का जो सेमीकंडक्टर होगा वो इंडिया से ही बन के आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे फोन असेंबल होगा ना, आपके यहाँ पे यहाँ पे असेंबल्ड फोन आपके यहाँ इम्पोर्ट होता होगा, तो वो जो असेंबलिंग यूनिट का जो भी जो हार्डवेयर लगेगा, उसमें एक हार्डवेयर तो ये चिप्स भी होते हैं, तो इन चिप्स को जो आप जब इम्पोर्ट करेंगे, तो देर आर हाई चांसेस कि वो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा हो, अगर आपके यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली यूनिट है। दूसरा चीज़ की आप देखें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है अहमदाबाद में, इसका नाम भी बड़ा अच्छा दिया गया, चरखा टू चिप। तो चरखा टू चिप इसको इसलिए दिया गया कि जब हमारी जो ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई अंग्रेजों के अगेंस्ट में चल रही थी, तो गांधी जी ने चरखे को एक सिंबल बनाया था सेल्फ रिलायंस का, क्योंकि उस समय हमारे जो कपड़े हुआ करते थे वो अमेरिका वो ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आते थे, और मैनचेस्टर मतलब हमारे यहाँ से रॉ कॉटन जाता था, वही रॉ कॉटन एक फिनिश गुड्स के रूप में यानी कपड़ों के रूप में हमारे यहाँ आता था और हम उसको पहनते थे। तो गांधी जी ने ये जो ब्रिटिश मोनोपोली थी कपड़ों के ऊपर या कॉटन के ऊपर, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने चरखा का ये अभियान छेड़ा था कि अपना सूत खुद काटो और खुद कपड़े बनाओ और खुद से कपड़े पहनो, हमें ज़रूरत नहीं है अंग्रेजों के द्वारा लाए गए ये मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ की। तो चरखा वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन क्लोथ, और चरखा टू चिप्स यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो सेमीकंडक्टर के चिप्स बनेंगे, दे विल बी व्हाट यू कॉल इंडिकेटिंग सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर। तो इसलिए, और दोनों ही गुजरात में शुरू हो रहे हैं, और गुजरात से ही इसकी शुरुआत की गई थी, गांधी जी का भी ये जो चरखा वाला जो पूरी मुहिम थी या पूरा आंदोलन था वो वहीं से शुरू हुआ था, और चिप्स का जो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स की बात हो रही है वो भी अहमदाबाद से शुरू हो रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम चरखा टू चिप्स दिया गया था, बिल्डिंग इकोसिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर। एंड आई थिंक कि मोदी जी बहुत छूट दे रहे हैं, कुछ टैक्सेशन का भी शायद है, मतलब देर आर लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल फ्रीबीज बीइंग ऑफर्ड और इंसेंटिव्स बीइंग ऑफर्ड जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं बाहर से और सेमीकंडक्टर की वो लगाना चाहते हैं। माइक्रॉन हैज स्टार्टेड इट, एक अमेरिकन कंपनी, और $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आप कई चीज़ें अब हम देख रहे हैं बदलती जा रही हैं, और उसमें एक हमने ये भी देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की जाती है। आपके यहाँ भी हमने देखा कि एक टीवी चैनल ने जो एक एंकर लॉन्च की थी, और हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या इंसानों की ज़रूरत कम हो जाएगी और इस किस्म के एंकर्स और इस तरह से काम शुरू हो गया, तो आपके ख्याल से ये कितना ज़रूरी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़? हमारे यहाँ तो सर जब तक डिक्टेशन ना दे ना, हमारे टीवी एंकर्स की बात कर रही हूँ, तो वो बेचारे बात नहीं कर सकते, वो वही कहते हैं जो उनको बताया गया होता है, तो ये कैसे मैनेज होगा अगर ये चीज शुरू हो गई? देखिए, ये तो इस पे तो बहुत रिसर्च चला, एक पेपर तो मैं खुद भी लिख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से लीगल सिस्टम का क्या होगा। अगर मान लीजिए अभी तो हमारे लॉ हमारे इंसान के लोग बना रहे, पार्लियामेंट में आपके जो लॉ बनता है वो इंसान बना रहे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कल को कोई रोबोट आकर के लॉ बनाया है, क्योंकि भैया पार्लियामेंट में तो बड़ा समय खराब होता है, लोग पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, तो वो अगर पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, आपके नेता भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, वो उसको रन कर रहे हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिनोमेना आएगी। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रियल थ्रेट टू ह्यूमन काइंड। अब उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, there you need to make a distinction between artificial intelligence and the emotional intelligence that we humans possess. No machine can possess the emotional intelligence.
आपने दी मशेनिका एक फिल्म है मैकेनिका करके, आपने देखी है उसको? वो अगर नहीं नहीं सर देखी है ना तो आप उसको जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी गुड मूवी। इसका नाम है एक्स मशीना, ठीक है ना। ठीक 2014 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म का प्लॉट बहुत खूबसूरत था कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस को चेक करना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इस ह्यूमंस को आउटस्मार्ट कर पाएंगी, यानी ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाए। बिल्कुल तो उसने क्या किया कि दो रोबोट्स बनाए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको लड़की बनाया। सो ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद दोज टू गर्ल्स, ठीक है ना। सो एंड ही सेड देम दैट आई लव यू एंड ऑल दैट। फिर उसने क्या किया कि एक इंटर्न को बुलवाया और वो इतने ही वॉज लाइक इलॉन मस्क ऑफ हिज एरिया। तो उसने लोगों को बुलाया और बहुत हाई पेमेंट पे इंटर्न को बुलाया कि तुम्हें एक काम करना है मेरा और उसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो वो इंटर्न का काम ये होता था कि वो जो उसकी दूसरी वाली रोबोटिक गर्लफ्रेंड थी उससे उसको रोज आधा एक घंटा बात करना होता था। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या ये रोबोट जो है, और वो चूंकि उसके साथ बहुत क्लोज खाली ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखता था, जो फिजिकल रिलेशन है उसके अलावा वो रोबोट से ज्यादा टच नहीं रखता था। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या ये रोबोट डिसग्रंटल्ड फील कर रही है, क्या ये फील कर रही है कि हम इसका सिर्फ यूज कर रहे हैं और इसको लव की जरूरत है, इसको केयर की जरूरत है, पैम्परिंग की जरूरत है, क्या ये फील कर रही है या ये फील नहीं कर रही। तो फिर उसमें वो जो लड़का था वो उससे बातचीत करता रहता है। धीरे धीरे रोबोट जो है उस लड़के को अपने प्यार में फंसाती है और ये लड़के को भी नहीं समझ में आ रहा है। और फिर बड़ा अच्छा उसका अंत है, मैं आपका अंत उस फिल्म का स्पॉयल नहीं करूंगा। यू शुड सी एंड वॉच कि क्या होता है कि कैन अ मशीन आउट स्मार्ट अ मैन, और अ मैन मीन्स ह्यूमंस, और अ ह्यूमन कैन नॉट बी आउट स्मार्टेड बाई मशीन। बट यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज प्रोज लॉट्स ऑफ चैलेंज। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ मच आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई डोंट थिंक इट इज आर्टिफिशियल बिकॉज ये सेल्फ लर्निंग है। जैसे आप इंसान को स्कूलों में पढ़ा देती हैं, उसके बाद वो स्कूल में पढ़ने के बाद ये उस इंसान की अपनी क्षमता होती है कि वो स्कूल में पढ़े हुए चीज़ों को या तो अपनी जिंदगी का पार्ट बना ले या उनको फिर वो चैलेंज करने लगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो पढ़ते लिखते हैं वो उसी को सच मान करके अपनी जिंदगी उसी में खपा देते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो जो पढ़े रहते हैं उसको वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में तीन फेजेस से गुजरता है। पहला फेज होता है वो सबसे लर्निंग, सबसे ईजी फेज होता है, उसका नाम है लर्निंग। जब इंसान पैदा होता है उसको भाषा नहीं आती, जिस समाज में रहता है वहाँ की भाषा सीखता है, चलना सीख जाता है, खाना सीख जाता है, उसको ये पता होता है मुंह में यहाँ खाना जाना है, और भी चीज़ें वो सीखता है। फिर उसके बाद वो स्कूल कॉलेजेस में उसको बताया जाता है तुम ये जेंडर है तुम्हारा, ये तुम्हारा नेशनैलिटी है, हम ये हैं, हम वो हैं, वो सब सीखता जाता है। और सीख साख के वो 25 साल का एक नौजवान या नवयुवती बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि वो अनलर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं इन? तो अगर 100 लोग लर्न कर रहे हैं तो उसमें से अनलर्न करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रखते हैं। ये 10 लोग वो होते हैं जो पढ़े रहते हैं उसको अब ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उनके मन में रिसर्च के लिए डिजायर उठती कि अच्छा इसको समझे, अच्छा उसको समझे। तो ये जो वो रिसर्च करते हैं, दिस रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, और जब वो रिसर्च से उस क्वेश्चन का आंसर पाते हैं तो दैट इज नोन एज रीलर्निंग। सो रीलर्निंग आर ओनली अचीव बाय हैंडफुल ऑफ पीपल जो पैदा होते हैं इंसानों में। अगर मान लिया 8 बिलियन हैं तो मुश्किल से 500-600 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो कि रीलर्निंग के फेज में गुजरेंगे। वो लाइफ को, वो दुनिया को उस दृष्टि से देखते ही नहीं है जो नॉर्मल दृष्टि से दुनिया देखती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी टाइप का है। मशीन लर्निंग में आप मशीन को कोड देते हो कि भाई तुम लर्न करो, उसके बाद मशीन खुद से कोड करके वो लर्न करना शुरू करती है। तो शुड वी कॉल इट आर्टिफिशियल? क्या हम खाली ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेन नेचुरल इंटेलिजेंस कहेंगे, बाकी सारी इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल है जो नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है? ये एक बड़ा डिबेट है, इसके ऊपर चीज़ें चलती जाएंगी। बस यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस लॉट ऑफ, इट ऑफर्स लॉट ऑफ गुड थिंग्स बट एट द सेम टाइम इट ऑफर्स लॉट ऑफ डेंजर्स टू ह्यूमन काइंड। इट्स अ डबल एज सोर्ड जिसको कहते हैं ना, दो धारी तलवार है कि इधर भी फायदे भी है और घाटे भी है और नुकसान भी है। तो अब कितना नुकसान है तो समय बताएगा। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि जब से ये चीज़ें, यानी ज़्यादा साइंस की चीज़ें आने लगी हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंस वाली चीज़ें आने लगी हैं, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना, तो
जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, कहीं ना कहीं कम हो गई है। पहले जब मोबाइल्स नहीं थे तो मतलब पेरेंट्स वगैरह के टाइम में मतलब थे तो, लेकिन ये कि बहुत बाद में आए थे मोबाइल उनके टाइम पे। मैं एक बात कह रही हूँ, जब मोबाइल नहीं थे और वो आपका एक लैंडलाइन हुआ करता था कि उसी से नंबर, तो लोगों को जबानी नंबर याद होते थे सारों, हर किसी का नंबर कॉपी खोल के या नोटबुक खोल के या कुछ चेक नहीं करना पड़ता था फोन डायरेक्टरी से, अक्सर नंबर लोगों को वैसे ही याद होते थे। अब लोगों का यह हाल है कि अपना खुद का नंबर याद नहीं होता। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है, ये लोगों की जो मतलब जो अपना IQ लेवल है या अपनी मेमोरी है उसको कहीं डैमेज कर रही है? ये भी बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन, आज आप दोनों क्वेश्चन बड़े टफ टफ पूछ रही हैं आप। देखिए ऐसा है कि इंटेलिजेंस है क्या? एक समय हम लिखना नहीं चाहते थे, हमने हमने वर्ड्स और लैंग्वेज की स्क्रिप्ट तैयार की, उसके बाद हमने ग्रामर तैयार किया ताकि उन लेटर्स को यूज करके हम उसको बोल सकें, फिर उसके बाद हमने प्रिंटिंग मशीन तैयार की ताकि हम किताबें बना सकें, तो उसके बाद हमने किताबों के बाद आज की डेट की दुनिया जो है वो ऑडियो विजुअल का, जैसे मैं नहीं मानता कि सिर्फ किताबों से ज्ञान आता है। यदि एक किताब को पढ़ने में आपको 200 घंटे लग रहे हैं और वही बात अगर 2 घंटे में ऑडियो विजुअल माध्यम से जैसे हम आप बात कर रहे हो समझाई जा सके, तो आप किताब पढ़ने के बोझ से तो बच जाएंगे। और अगर आपको अदरवाइज लिटरेचर या लैंग्वेज का आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कर सकती है, बट देर आर ऑडियो बुक्स ऑल्सो। सो कोई भी मीडियम जो है ना, इंसान की धीरे 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 अपग्रेडेशन ही हुआ है। तो मैं उसको नहीं मानता कि फोन की डायरेक्टरी को याद कर लेना, और आज फोन की डायरेक्टरी को नहीं याद कर पाने की क्षमता से वो आप कह लें कि डिग्रेडेशन हुआ है। आप ये सोचें कि हमारे यहाँ पे ये मोबाइल लिटरेसी एक अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो गई है फ्रॉम दी अदर लिटरेसी, जिसमें कि आप लिख पढ़ सकते थे। आज की डेट में अनपढ़ आदमी मोबाइल को चलाना जानता है, उसको ये पता है उसको क्या दबाना है और कैसे GPA का पेमेंट हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट हो जाएगा, बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, फोटो कैसे लेना है, मैसेजेस करके वॉइस रिकॉर्ड करके वो मैसेजेस भेज रहा है। सो डिजिटल लिटरेसी हैज बिकम अ डिफरेंट लिटरेसी फ्रॉम दी नॉर्मल लिटरेसी ऑफ ABCD क ख ग घ अलिफ बे ते से वाली जो है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें कि इंसान एक जगह लैग कर रहा है कि उसकी मेमोरी फेड हुई है, तो इंसान वहां पे ये भी कर रहा है कि वो एक मशीन को ऑपरेट करना सीख रहा है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी डिजिटल, बिना किसी अदर लिटरेसी के। तो उसके अपने फायदे हैं, अगर वो नंबर नहीं याद रख सकता तो उसको ये तो पता चल गया है कि भाई हाउ टू यूज अ मोबाइल विदाउट गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल। तो मैं वही कहूंगा, अगर आप इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट पाने कि हम मेमोराइज कर सकते हैं, आज आपको मेमोरी की जरूरत नहीं है क्योंकि मेमोरी करने के लिए, मेमोरी को रखने के लिए अब आपके पास फोन है, आप दूसरी चीजों में अपने दिमाग का उपयोग कर सकती है ना। यू डोंट नीड टू कीप लॉट ऑफ डेटा इन योर माइंड व्हेन देयर इज अ हार्डवेयर टू स्टोर योर डेटा, सो व्हाई टू यूज योर ब्रेन टू स्टोर अ डेटा, यूज इट फॉर एनालिटिकल पर्पजेस। पहले होता था भाई हम रट गए तो यही हमारी अचीवमेंट है, भाई गया जमाना रटने का, क्या रट के क्या अचीव हो गई तुम्हारी? कई लोग हैं फोन बुक की डायरी की डायरी, वो उनका ये था कि मुझे पूरी की पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद है। अब इसका क्या अचीवमेंट है यार आज की डेट में, जब तुम्हारे पास फोन है तुम स्कैन करके उसको कर सकते हो उसको। द थिंग इज दैट यू कैन यूटिलाइज योर ब्रेन फॉर सम अदर पर्पसेस, व्हाई टू फिक्स इट बिल्कुल इन हमारी इंटेलिजेंस है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर, क्योंकि आपका ताल्लुक जाहिर है कि एजुकेशन से भी है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूंगी लास्ट में आपसे, और वो ये कि आई होप यू नो डॉक्टर परवेज उद भाई। तो डॉक्टर परवेज उदभाई का कहना ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं होता है, मेमोरी का टेस्ट होता है। कि अगर जिसने रट्टे मार लिए, याद कर लिया, मेमोराइज मेमोरी उसकी ज्यादा है और उसको सारा कुछ रट्टे मार के सब आ गया, लिख कर आगे भर के आगे पेपर्स, तो नंबर मिल जाते हैं। और अगर जो नहीं लिख पाता वो उसके कम नंबर आते हैं या फेल हो जाता है। तो आपके ख्याल से कि क्या इसी तरीके का सिस्टम क्या भारत में भी है कि इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता, मेमोरी का टेस्ट होता है? ये भारत में नहीं, सारी दुनिया में अभी तक यही है। देखिए जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो डिसाइड तो आप कर रहे हो ना कि उसको पढ़ना क्या है, और वो पढ़ने के बाद उसने जो रिक्वायर्ड स्किल है, जैसे जब मैं कोर्स का सिलेबस बनाता हूँ किसी सब्जेक्ट का, तो मैं दो चीज़ें मुझे लिखनी पड़ती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स एंड आउटकम ऑफ द कोर्स, कि क्यों ये पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद बच्चा क्या जानेगा, क्या आप बिकॉज कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा इसको पढ़ने के बाद क्या सीखेगा तो मैं उसका एग्जाम ही नहीं ले पाऊंगा। अब ये है कि पेडेगोजी में क्वेश्चन ये है कि लर्निंग का पैरामीटर क्या है, कॉग्निटिव फैकल्टी में जो लर्निंग है
वो लर्निंग का पैरामीटर क्या है। तो अगर आपका टोटल इम्फेसिस मेमोराइजेशन है तब तो गड़बड़ है, लेकिन अगर आपका जो है कि मेमोराइजेशन प्लस एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस है, जैसे अब हमारे यहाँ क्या है या दुनिया भर में अब आज के डेट में क्या है कि हमारे यहाँ क्वेश्चंस पे आज के डेट में जो एग्जाम होते हैं वो दो पार्ट में, एक है टेक होम और दूसरा है कि वही जो कन्वेंशनल मेथड है क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आइए बैठिए 3 घंटे में लिख के जाइए, ठीक है ना। अब टेक होम में क्या होता है कि हमने बच्चे को एक फैक्ट स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये फैक्ट स्टेटमेंट है, अब जाओ इस पे तुम जितनी दुनिया में नकल मार सकते हो नकल मार लो, इसका आंसर लेकर के आओ। तो वो जब अगर उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है और वो फैक्ट मैंने बनाया है, वो फैक्ट का पैरेलल कहीं उसको मिलने वाला नहीं है, तो इसमें दो चीज का टेस्ट होता है। देखिए जब आप ना स्कूल या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में स्पेशली जब आप एग्जाम लेते हैं तो ये सिर्फ बच्चे का टेस्ट नहीं हो रहा होता, ये उस प्रोफेसर का भी टेस्ट हो रहा होता है जिसको कि जिसने की क्वेश्चन पेपर बनाया है, क्योंकि अगर उसको नहीं पता कि मैंने सिखाया क्या है तो वो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे पूछना क्या है। अगर उसको ये पता है कि मैंने सिखाया क्या है तो उसको ये पता होगा कि मुझे पूछना क्या है। सो टीचर एंड दैट मींस एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी बोथ नीड्स टू लर्न एट द सेम टाइम। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर को वही रिपीट कर रहे हो पुराने क्वेश्चन पेपर, टेल मी व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, तो इसका मतलब है वो टीचर भी कुछ नहीं सीख रहा है, बट द टीचर हैज सिंपली सीज्ड टू लर्न एनीथिंग। लेकिन अगर आप उसको चैलेंजिंग प्रपोजिशंस दे रहे हो, केस दे रहे हो, आप उसको लाइव स्टडीज दे रहे हो और बच्चे से बोल रहे हो कि एनालाइज करो, क्योंकि तुम मेमोराइज करके कुछ नहीं कर सकते, सो फिर वो बच्चा जो है अपनी कॉग्निटिव लर्निंग का यूज करता है। सो दोनों ही जरूरी हैं। आपको कॉग्निटिव लर्निंग में मेमोरी बेस्ड एग्जाम इज ऑल्सो क्रिटिकल, बट एट द सेम टाइम लर्निंग बाई डूइंग हो गया, लर्निंग बाई रिसर्चिंग हो गया, लर्निंग बाई ऑब्जर्विंग हो गया, लर्निंग बाई एक्सपीरियंसिंग हो गया। So the question that what are the different methods that you can utilize